देखिए हम रुद्रपुर महादेव का दर्शन कराते हैं, रुद्रपुर विदेश्वरनाथ भगवान का आज तक कोई आपको दर्शन नहीं कराया होगा, सौभाग्य से मिला है कि यहाँ पे पानी नहीं है बाबा के, देखिए यही है बाबा का, यही लोग आकर पूजा करते हैं। ये उप ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर उज्जैन का उप ज्योतिर्लिंग माना जाता है, यही मान करके लोग यहाँ पे पूजा करते हैं। ये प्राचीन काल से मंदिर है, ये प्राचीन काल से मंदिर है, इसके बारे में हमको भी इतना ज्ञान नहीं है। अब मैं आपको आगे का दिखाता हूँ तस्वीर। ये महादेव का मंदिर है, ये सामने माँ भगवती पार्वती का है, देखिए यहाँ पे पूरा मंदिर है ऐसे। हम आपको दिखाते हैं बाबा का पूरा स्पष्ट उप ज्योतिर्लिंग है महाकालेश्वर उज्जैन महाकाल का, देखिए ऊपर। अब हम आपको बाहर का दृश्य दिखा रहे हैं, बाहर का दरवाजा है, गेट है, ये देखिए बाबा का मंदिर इतना बढ़िया है। चारों तरफ भोलेनाथ का जय जयकार गूंजता रहता है, बाबा का त्रिशूल है, जो बाबा का पूरा विशाल मंदिर है, इसे बड़े बड़े दूर दूर से लोग मेला देखने आते हैं। बाबा के दरबार में भक्तों की मनोकामना पूर्ण होती है, अनेकों मंदिर बाबा का यहाँ पे स्थापित है। यहाँ पे माँ भगवती पार्वती का भी मंदिर है, बस भोले बाबा का यहाँ पे मंदिर है और माँ भगवती पार्वती का मंदिर है। देखिए महादेव का मंदिर है, माँ भगवती पार्वती का भी मंदिर है यहाँ पे। मैं माँ भगवती पार्वती का मंदिर पे ले जा रहा हूँ, आपको दिखाता हूँ। ये महादेव का मंदिर है, देखिए भी महादेव का मंदिर है, सारा कुछ महादेव का ही मंदिर है, हनुमान जी का भी मंदिर है यहाँ पे। ये रहा सामने माँ भगवती पार्वती का मंदिर है, ये बाबा बाबा और माँ भगवती पार्वती का मंदिर है। देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ महादेव का मंदिर, माँ भगवती पार्वती का मंदिर है, माता आदिशक्ति जगदम्बा का मंदिर है। अंदर तक आपको दिखाता हूँ, माँ भगवती पार्वती का मंदिर है, इतना बढ़िया सुंदर माँ का है मंदिर। यहाँ पे सब देवी देवताओं का भी मिल मंदिर है और बाबा खुद विराज रहे हैं यहाँ पे, महादेव हमारे। देखिए जो भक्तों की मनोकामना तुरंत पूरा करते हैं, जो भी बाबा को याद करता है बाबा उसकी मनोरथ पूर्ण कर देते हैं। ये हमारे प्रभु का और भी मंदिर है, देखिए बाबा का मंदिर है यहाँ पे, सब कुछ बाबामय है यहाँ पे। भोलेनाथ का त्रिशूल का दर्शन कीजिए, ये है बाबा का मंदिर, ये बाबा का त्रिशूल है। अच्छा भक्तगणों सबको नमस्कार, आप लोग हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। हर हर महादेव।